गाइज अगर एंड्रॉयड पाई का डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया जाए तो शायद 1% डिवाइस में भी अभी एंड्रॉयड पाई अवेलेबल नहीं होगा, बट आईफोन अनबॉक्स में बहुत सारे फोन्स के कस्टम रॉम हम देख चुके हैं एंड्रॉयड पाई बेस्ड, जैसे मोटो G5S प्लस, रेडमी नोट 5 प्रो, ज़ेनफोन मैक्स प्रो, M1। तो मैंने सोचा क्यों ना एंड्रॉयड पाई के टॉप 10 फीचर्स का एक वीडियो बनाया जाए, जिसमें मैं कुछ हिडन फीचर्स शायद जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा या आपने ट्राई नहीं किया होगा उस पर एक वीडियो बनाओ। इससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है और अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, छोटे छोटे फीचर्स जो स्मार्टफोन के एक्सपीरियंस को और भी स्मार्ट बना सकता है। गाइस ये टॉप 10 फीचर्स बनाने के चक्कर में जब मैं बिल्कुल अंदर घुसा तो मुझे कुछ और फीचर्स भी दिखे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पार्ट 2 भी बनाया जाए। तो अगर पार्ट 1 हिट होता है, यानी ये वीडियो जो है हिट होता है, इसके व्यूज अच्छे आते हैं, तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। तो इसे लाइक एंड शेयर करके इस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिए। तो गाइस सबसे पहला फीचर है जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, स्मार्ट रोटेट का। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर है। क्विक टॉगल को जब आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको क्विक टॉगल में एक ऑटो रोटेट का ऑप्शन दिखेगा जो हमें पहले भी दिखता था, उसे आप ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद जब आप स्क्रीन को रोटेट करते हो, यानी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करते हो, तो उस वक्त आपको आपके राइट हैंड साइड में एक छोटा सा बॉटम में एक छोटा आइकॉन दिखेगा, उस पर टैप करके आप उसे फिर से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर सकते हो। तो ये फीचर उस केस में ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा जब आप बेड में लेटे लेटे वीडियोज़ देखते हो, सॉरी आप कुछ पढ़ रहे होते हो लाइक गूगल क्रोम में, तो आपका हाथ जो है ना कभी यूं हो जाता है, तो उस केस में स्क्रीन भी रोटेट हो जाता है, तो काफ़ी इरिटेटिंग अनॉइंग लगता है उस वक्त। उस वक्त आप सिंपल टैप करके उसको कंट्रोल कर सकते हो, यानी स्क्रीन को। तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। गाइस दूसरा फीचर है, ये काफी सिंपल सा छोटा सा फीचर है, बट शायद आपने इसके डिटेल पे गौर नहीं किया होगा, इसलिए मैंने सोचा इसे ऐड कर दूं। जब आप वॉल्यूम का बटन प्रेस करते हैं, यानी इसे वॉल्यूम डाउन या अप करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि आपको टॉप में एक आइकॉन दिख रहा होगा, उसे टैप कीजिए तो आपका डिवाइस जो है वाइब्रेशन मोड में चला जाएगा। उसके बाद फिर से टैप कीजिए तो आपका डिवाइस जो है साइलेंस मोड में, म्यूट मोड में चला जाएगा। फिर से टैप कीजिए तो ये नॉर्मल मोड में चला जाएगा। तो ये काफ़ी क्विक एंड सिंपल फीचर है। उसके बाद नीचे आपको एक गियर आइकॉन दिखेगा, उस पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद आप सीधे चले जाएंगे साउंड सेटिंग्स में। साउंड सेटिंग्स में आप देख सकते हो यहाँ पे मीडिया, कॉल वॉल्यूम, रिंगर वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम, चार ऑप्शन दिख रहे हैं। यानी पहले आपको कॉल वॉल्यूम नहीं दिखता था, अब आपको कॉल वॉल्यूम भी दिखेगा। यानी जब हम कॉल में होते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारा फ़ोन जो है लाउड इनफ होता है और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो तब भी हम सुन पाएंगे, तो इस केस में ये पहले से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। एंड्रॉयड पाई काफ़ी स्मूथ है, इवन इसका एनिमेशन भी काफ़ी कूल एंड स्मूथ लगता है। स्पेशली ऐप स्विचिंग या एक्टिविटी स्विचिंग पे आप गौर करना, अगर मैं स्लो मोशन में आपको दिखाऊं तो आप इसे नोटिस करोगे बेहतर तौर पे, ये काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन कुछ लोगों को ये एनिमेशन पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि उनका डिवाइस जो है और भी क्विक लगे, तो उस केस में आप इस एनिमेशन को ऑफ कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आप देखना एक्सेसिबिलिटी, वहाँ नीचे थोड़ा आप जाकर देखना, आपको ऑप्शन दिखेगा एनिमेशन रिमूवर, उस पर टिक कर देना, बस हो गया आपका काम। एंड्रॉयड में नोटिफिकेशन काफ़ी पावरफुल फीचर है, और कुछ नोटिफिकेशन की अभी ज़रूरत नहीं है तो उसे आप चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। जैसे बैटरी, बैटरी का परसेंटेज दिखता है तो उसके लिए नोटिफिकेशन ना भी आए तब भी चलेगा। दूसरा है स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट जब भी हम लेते हैं तो हमें पता होता है कि गैलरी में स्क्रीनशॉट का फोल्डर है, उसमें ये सेव हो चुका है, तो हम बाद में उसे चेक कर लेंगे, बट नोटिफिकेशन में वो आ जाता है, उसे हमें स्वाइप लेफ्ट या राइट करके रिमूव करना पड़ता है। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो सिंपली आपको जाना है सेटिंग्स में, टाइप करना है वहाँ पे सिस्टम यूआई, सिस्टम यूआई टाइप करने के बाद आपको आइकॉन दिखेगा,
सिस्टम यूआई का, उस पर टैप करना। टैप करने के बाद आपको फिर दिखेगा ऑप्शन नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पर टैप करना और यहाँ आपको दिख जाएगा बैटरी एंड स्क्रीनशॉट, उसे अनटिक कर देना। अब आपको इसके नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। इस एंड्रॉइड पाई में एक फीचर है डिजिटल वेल बीइंग का। ये फीचर आपको कुछ कस्टम रॉम्स में देखने को नहीं मिलेगा, लाइक सैक्रेड ओएस में ये फीचर ऐड नहीं किया गया है, बट पिक्सल एक्सपीरियंस या पीई एक्सटेंडेड रॉम में ये मुझे दिखा, और ऑफिशियल एंड्रॉइड पाई रॉम में तो ये डेफिनेटली आपको दिखेगा। तो ये फीचर जो है एक्चुअली हम जैसे लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा टाइम अपने स्मार्टफोन को देते हैं, अपने फैमिली या फ्रेंड्स को इतना टाइम नहीं देते, तो उस केस में काफ़ी हेल्प करेगा, मॉनिटर करेगा, लिमिट करेगा। हर ऐप को 15 या 30 मिनट आप सेट कर सकते हो, उसके बाद ये ऐप जो है आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं डिजिटल वेलबींग पे एक स्पेशल वीडियो बनाकर नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगा। एंड्रॉइड पाई से पहले हमें अपने स्मार्टफोन में तीन बटन्स मिलते थे, रिसेंट का, होम का एंड बैक का। अभी स्वाइप अप होम वाला फीचर आ गया है, तो बहुत से लोग कन्फ्यूज्ड है कि स्प्लिट स्क्रीन कैसे यूज़ करें। तो पहले हम रिसेंट बटन पे टैप करते थे, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्प्लिट स्क्रीन यूज़ करते थे। तो अभी आपको करना ये है कि स्वाइप अप करने के बाद आपको रिसेंट में सारे ऐप्स दिखेंगे, उस पे टॉप में आपको एक आइकॉन दिखेगा, उस पर टैप करना, यहाँ आपको दिख जाएगा स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन। गाइस एंड्रॉइड पाई में गूगल ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर ऐड किया है, जो आपको मिल जाएगा सिक्योरिटी एंड लोकेशन सेटिंग्स के अंदर लॉक स्क्रीन प्रेफरेंसेस में। यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा शो लॉकडाउन ऑप्शन, इस पर आप टिक कर देना। बेसिकली ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर ऐड करता है, और इसे टिक करने के बाद जब आप पावर बटन प्रेस करोगे तो पावर मेन्यू में आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा लॉकडाउन का, उस पर टैप कर देना। अब टैप करने के बाद फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक या फिर गूगल का स्मार्ट लॉक फीचर से आप अपने डिवाइस को अनलॉक नहीं कर पाओगे। अब आपको पासवर्ड या पिन डालकर ही अपने डिवाइस को अनलॉक करना पड़ेगा। तो अगर किसी केस में आपको ऐसा लगता है फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक फीचर जो मेरा था डिवाइस में, उसे मैं ऑफ कर देता हूँ, आप ये एक्टिव कर सकते हो। एंड्रॉइड पाई में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल छुपे हुए हैं, हिडन हैं, उसे ढूंढने के लिए चलिए हम चलते हैं डेवलपर ऑप्शन में। डेवलपर ऑप्शन में टॉप में आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर टैप करना एंड टाइप करना फीचर फ्लैग्स। नीचे बिल्कुल आपको दिखेगा फीचर फ्लैग्स, उस पर टैप कर देना। यहाँ आप देख रहे हो बहुत सारे हिडन फीचर्स हैं, उनमें से एक इंटरेस्टिंग फीचर है ब्लूटूथ वाइल ड्राइविंग, इस पर टैप कर देना। ये फीचर बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो डिवाइस में आपका ब्लूटूथ जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा जब आप इसे टिक कर देते हो। गाइस डेवलपर ऑप्शन में एक और हिडन फीचर है, आप अगर टाइप करोगे स्टैंड बाई ऐप्स तो नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करना है, स्टैंड बाई ऐप्स का लिस्ट आ जाएगा। यानी यहाँ पे जितने ऐप्स हैं हर ऐप को अलग अलग जो है आप कैटेगरी में डाल सकते हो। CPU एंड बैटरी के यूज़ को आप लिमिट कर सकते हो, एक्टिव, वर्किंग सेट, फ्रीक्वेंट या रेयर, ये आपका चॉइस है, आप किस ऐप को कौन से कैटेगरी में डालना चाहते हो। गाइस एक और बिल्कुल सिंपल एंड बहुत ही पॉपुलर फीचर है एंड्रॉयड पाई का, वो है स्वाइप अप होम। तो इसे एक्टिव करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, वहाँ आपको जेस्चर ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर टैप करके इसे टिक कर दीजिए। दैट्स इट।
गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर करने से मुझे एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो पार्ट टू वीडियो भी इसका बहुत जल्द आ जाएगा। तो देखते रहिए आई फॉर अनबॉक्स।